नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हल्ला बोल सभा का देवसर में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कई नेताओं ने अपना उद्बोधन दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उक्त कार्यक्रम में बैठन मुख्यालय से वरिष्ठ अधिवक्ता नंदकिशोर पटेल, अशरफ अली अंसारी, जुल्फिका अली, उसैद हसन सिद्दीकी एडवोकेट, मोहम्मद शाहिद खान रिंकू, मोहम्मद इलियास खान, जावेद अशरफ, खालिद अशरफ, सद्दाम हुसैन, शहाबुद्दीन अंसारी, भीम आरबी के संजय वर्मा, निर्भय जयकर, नीलेश चौधरी, सी एल चौधरी, नाजी संघ से विद्याभूषण महेश वर्मा, अंजलि पनिका आदि लोग उपस्थित हुए। सभी लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून को गलत ठहराया एवं बताया कि यह कानून संविधान विरोधी है एवं इंडियन लॉयर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता उसैद हसन सिद्दीकी एडवोकेट के द्वारा भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य नई दिल्ली द्वारा उपखंड अधिकारी देवसर के नाम भारत देश में घटित समसामयिक घटनाओं एवं मानवाधिकार के हनन से निर्मित समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भारत देश में 3 करोड़ लोग भूमिहीन हैं, 1 करोड़ 70 लाख लोग बेघर हैं, 15 करोड़ विमुक्त एवं घुमक्कड़ की आबादी है, 8 करोड़ 40 लाख आदिवासी हैं। 1970 में देश की साक्षरता दर 34% थी, यानी 66% लोग अनपढ़ थे, यानी इस भारत देश के 66% बुजुर्ग के पास पढ़ाई लिखाई की कोई कागज नहीं है। आज ही करीब 24% यानी 130 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। उक्त सभी केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े हैं। ऐसे में उक्त सभी लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं होंगे जिससे नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, जिससे उक्त कानून को वापस लिया जाए। राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2019 के प्रारूप रजिस्टर के कॉलम नंबर 10 में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यक का उल्लेख नहीं है। इन्हें उसी कॉलम में जोड़कर जनगणना कराई जाए, पुलवामा हमले की न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में शोषित मजदूरों के साथ आए दिन हत्या, बलात्कार, सामाजिक भेदभाव कर उत्पीड़न, ऑनर कॉलिंग के नाम पर शोषित पिछड़ों को जान से मारने के साथ वह कानून व्यवस्था की स्थिति लाचार हो गई है, जिससे मानव अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को बर्खास्त करते हुए तत्काल राष्ट्रपति शासन बनाया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा 2 करोड़ सालाना रोजगार के लिए वचन दिया गया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसके हिसाब से 12 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाया जाए। शिक्षण संस्थाओं पर निरंतर हमला हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। RSS व उनके विंग अपराधों में लिप्त हैं, जिन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। गाय को राष्ट्रपति पशु घोषित किया जाए तथा पंजीकृत कत्ल खानों का तत्काल बंद कराकर बीफ सप्लाई बंद की जाए। भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया कि देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है, ऐसे में जहां पर भी डिटेंशन सेंटर है वह इनमें बंद लोगों को आजाद किया जाए। वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड को राष्ट्रीय पहचान पत्र घोषित किया जाए, जिससे नागरिकता कानून में उसे मान किया जाए, अन्यथा असम में वोट बीजेपी के वोट से घटाया जाकर तथा सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए, जस्टिस लोया को मौत की जांच कराई जाए, भारत देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, भारत देश में चिकित्सा की व्यवस्था लाचार है दुरुस्त कराया जाए, भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा निधि से लिया गया कर्ज तत्काल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस किया जाए, जिससे भारत देश की स्थिति में सुधार हो सके, उद्योगपति पूंजीपतियों पर बकाया कर्ज एवं टैक्स तत्काल वसूल किया जाए, इसका उपयोग देश हित में किया जाए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का कॉलम समाप्त कर दिया गया है जिसे तत्काल शुरू कराया जाए, शासकीय संस्थानों रेलवे हाईवे टेलीकॉम चिकित्सा व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है जो देश में हित में सही नहीं है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। भारत देश के संसद भवन में भाजपा के सांसद द्वारा गुहार लगाई थी कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 50 किलोमीटर के एरिया जहां पर जसवंत सिंह की पहली पोस्टिंग हुई थी उसको चीन ने कब्जा कर लिया, तत्काल भारत क्षेत्र में रहने के लिए कार्यवाही की जाए। अंत में निवेदन किया कि उक्त सभी मांगों पर विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से
पालन कराए जाने की व्यवस्था की जाए। उक्त अवसर पर हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी, डॉक्टर अब्दुल वहाब अंसारी, अब्दुल रशीद नाजी, संघ के प्रदेश सचिव अशोक सिंह पैगाम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आबिद अंसारी के द्वारा किया गया एवं उक्त अवसर पर हजारों लोग उपस्थित रहे। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।